नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी कुछ फिल्मों की बात करेंगे और उस दौर की जब फिल्म आपकी कसम को बने 3 वर्ष हो चुके थे, लेकिन ज्योम प्रकाश इस बात से बेखबर नहीं थे कि इस सितारे के जीवन में क्या हो रहा था। एक अभिनेता के रूप में उन्हें पहले कदम उठाते देखने के बावजूद भी ज्योम प्रकाश ने उनके साथ कम ही मेल मिलाप रखा और कभी भी उनके बदनाम दरबारों का वो हिस्सा नहीं बने। लेकिन वो उन्हें इतना ज़रूर जानते थे कि समझ सकें कि कुछ परेशानी तो थी राजेश खन्ना के साथ। फिल्में बनाते समय हम दोस्त होते थे, वैसे मैं दोस्तों की उस मंडली में नहीं था जो शाम को मिला करते थे राजेश खन्ना के घर पर, एक इंटरव्यू में बताते हुए ज्योम प्रकाश कहते हैं। उनका मानना है कि राजेश खन्ना जो भूमिका अपनी असल जिंदगी में निभाने लग गए थे उसका असर उनके काम पर पड़ने लगा था। वो कहते हैं कि आप असल जिंदगी में एक किरदार जीते हैं, इसलिए आपकी आम चाल ढाल, आपके ख्यालात, आपका अपने काम और लोगों की तरफ रवैया अहम भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि इस दौर में कहीं पर राजेश खन्ना की पर्दे के पीछे की परेशानियां उनके काम की तरफ रवैये में भी उतर आई थी, यानी कि वो अपनी असल जिंदगी में जैसे थे वैसा ही असर उनकी फिल्मों में दिखाई देने लगा था। वो चाहे ये मानते हों या मानते हों कि राजेश खन्ना के ज़्यादा नज़दीक नहीं थे, फिर भी जे ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना की मुश्किल को सही सही समझ लिया था। वो अभी भी इतने लोकप्रिय थे कि भूमिकाएं मिल जाती थी, लेकिन बार बार उनकी फिल्मों की असफलता उन्हें दोयम दर्जे पर दिखाती थी। और यही नहीं, उनकी फिल्मों की असफलता को अलग से नहीं देखा जाता था। उनका निराशाजनक काम और भी खराब दिखता और जब उसे उन फिल्मों के मुकाबले बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता जो दूसरे बड़े सितारे कर रहे थे। राजेश खन्ना और उनकी फिल्मों ने कुछ समय से इतिहास रचना छोड़ दिया था, जबकि अमिताभ बच्चन उसे दोबारा लिखने में मशगूल थे। एक फिल्म जिसने उल्टे नक्षत्रों वाले इन दोनों सितारों के बीच तकदीर के घूमते पहिए पर रोशनी डाली वो थी यश चोपड़ा की कभी कभी, जिसमें अमिताभ बच्चन पहली बार ऐसे किरदार में थे जो एक नौजवान से एक 20 वर्ष की लड़की के पिता तक की उम्र में पहुंच जाता है। कभी कभी के कथानक और राज खोसला की प्रेम कहानी के दूसरे हिस्से में कम ही अंतर था। सच तो यह है कि दोनों फिल्मों में शशि कपूर पति के किरदार में हैं, जिसका अपनी पत्नी के लिए प्यार इतना मजबूत है कि वो उसके अतीत को स्वीकार कर लेता है। अमिताभ बच्चन अपने रोमानी नायक की भूमिका में एंग्री यंग मैन की तीव्रता ले आए। हालांकि कभी कभी की पटकथा जो दो पीढ़ियों तक फैली है, बड़े बड़े सितारों और खयाम साहिर की जोरदार जुगलबंदी ने प्रेम कहानी के साथ कोई भी समानता मिटा दी। फिर भी दोनों फिल्मों में गहरी समानता है और अमिताभ बच्चन की जगह राजेश खन्ना को प्रेम में ठुकराए गए कवि के रूप में देखा जा सकता है। राजेश खन्ना पहले भी 2 बार यश चोपड़ा के साथ काम कर चुके थे और इत्तेफाक और दाग में, और यश चोपड़ा राजेश खन्ना को इतना पसंद तो करते थे कि दीवार के लिए अदाकार चुनते समय सलीम जावेद से बहस तक उन्होंने की, लेकिन सलीम जावेद चूंकि दीवार को लेकर इतने पॉजिटिव थे कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर इसमें अमिताभ बच्चन नहीं होंगे तो वो अपनी कहानी यश चोपड़ा को नहीं देंगे। खैर, कहानी ये भी है कि दाग के सेट पर ही यश चोपड़ा ने राखी से कभी कभी की बात की थी जो फिल्म बनाना चाहते थे और वो झट इसके लिए मान भी गई थी। हालांकि राखी के गुलजार से शादी करने के बाद फिल्मों को छोड़ देने के फैसले के बाद उन्हें कभी कभी के लिए दोबारा मनाने में यश चोपड़ा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर भी राजेश खन्ना यश चोपड़ा के मन में कभी नहीं थे इस फिल्म को लेकर कभी कभी, और ये एक विसंगति थी कि और राजेश खन्ना की बाहर के दिनों में उनकी फिल्में देखकर व्यस्क होने वाले लोगों के लिए अफसोस की बात, क्योंकि राजेश खन्ना जिस तरह के कैरेक्टर निभाते आए थे, जिस तरह के रोल वो करते आए थे अपनी फिल्मों में, एक रोमानी हीरो का, कभी कभी का नायक यानी कि अमिताभ बच्चन का जो किरदार है वो बिल्कुल राजेश खन्ना के ऊपर लिखा गया लगता है। लेकिन बावजूद इसके यश चोपड़ा के मन में राजेश खन्ना को लेकर कोई ख्याल नहीं था और
इसे अफसोस भी कहा गया क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले भी राजेश खन्ना कवि के किरदार में ले लिए जाते। यश चोपड़ा कभी कभी कोई इस विधा में अपने पहले प्रयास से अलग दिखाना चाहते थे, और इससे बेहतर क्या हो सकता था कि जो अभिनेता सबसे ज़्यादा एक्शन हीरो के अवतार में जाना जाता था उसे कम बोलने वाले आदमी के रूप में दिखाया जाए जो दशकों पहले ख़त्म हो जाने वाली मोहब्बत की यादों में खोया हो। बिल्कुल एक अलग तरह की विसंगति थी, यानी कि एंग्री यंग मैन के तौर पर जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन को देखा गया, जंजीर, शान, शोले, ढेरों फिल्में, लेकिन अचानक से कभी कभी में यश चोपड़ा उन्हें उस अवतार में लेकर आए जिस अवतार में राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। आरंभ के दिनों में लगा कि दर्शक कभी कभी में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को इस रूप में स्वीकार करने में हिचक रहे थे, और उद्योग के कुछ लोगों ने तो उसे फ्लॉप भी करार दे दिया, फिल्म इंडस्ट्री के लोग। और इसकी हवा राजेश खन्ना तक भी पहुंच गई, और अफवाह है कि उन्होंने फिल्म कभी कभी की निराशाजनक शुरुआत का जश्न मनाने के लिए तत्काल एक पार्टी भी दे डाली। अली पीटर जॉन, जो राजेश खन्ना के बेहद करीबी रहे और फिल्म पत्रकार भी रहे, उनका कहना है कि उसने और भी कुछ मौक़ों पर राजेश खन्ना को इस तरह ही पेश आते देखा जब उनके विरोधियों की, उनके जो कॉम्पिटिटर थे, उनके फिल्में पिट जाती थी या कम चलती थी तो राजेश खन्ना इसी तरीके का जश्न मनाया करते थे। त्याग 1977 और कर्म 1977, ये दो फिल्मों के रिलीज के साथ ही टिकट खिड़की पर राजेश खन्ना की नाकामयाबी लगातार चलती रही, लेकिन उनके मन में जो बात थी, कोई फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट क्यों नहीं होती, कोई फिल्म पहले जैसा करिश्मा क्यों नहीं करती, इस बात का जवाब राजेश खन्ना को अपने अंतर मन में तलाशना चाहिए था। और इसका सबसे बड़ा जवाब ये था कि राजेश खन्ना इतनी नाकामयाबी के बाद भी फिल्में चूज करने में, फिल्मों का चयन करने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं बरते थे, और नासमझी या लापरवाही हमेशा दिखाई देती थी। राजेश खन्ना को ऐसा लगता था कि आज भी दर्शक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते, और यही ओवर एक्सपोजर का शिकार राजेश खन्ना साल दर साल एक फिल्म, दो फिल्म, हर फिल्म में होते रहे, और यही वजह थी कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का राजा ही मानते थे। राजा, एक राजा होता है चाहे उसकी फिल्में हिट हों, फ्लॉप हों, चलें या ना चलें, और यही वजह थी कि वो अपने प्रतिद्वंदी, खासकर अमिताभ बच्चन की फिल्म कभी कभी ने जब उस मुकाम को हासिल नहीं किया जिस मुकाम की उम्मीद थी, तो इस नाकामयाबी का जश्न राजेश खन्ना ने बड़ी धूमधाम से मनाया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।